सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते, माने विश्रांति नहीं ले पा रहे किसी कारण से, और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो ये कहते हैं वज्रासन में जरूर बैठें 10 मिनट। वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि बागवट के बाद के हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है, वज्र आप समझते हैं एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है, गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे, घंटों 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 घंटों, और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार, वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए, जब मौका मिला बैठ गए, और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे, किताब पढ़ रहे वगैरह वगैरह।